गाइस इज मी श्याम त्रिवेदी एंड दिस इज डे टू ऑफ दुबई। और अभी हम सुबह लिटरली 8:15 बजे उठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि होटल का ब्रेकफास्ट हमें मिस नहीं करना है। एंड द अदर थिंग इज कि हमारी बुर्ज खलीफा पे वो है ऑब्जर्वेटरी डेक की रिजर्वेशन है। बट ऑन द साइड नोट, लुक एट दैट भाई, सुबह सुबह इतनी भीड़। आई थिंक ये मतलब ये बिल्कुल दिल्ली में सीपी वाला हाल है कि अलग अलग जगहों से लोग यहीं आते हैं। This view is perfect and I have gotten chicken tikka roll, croissant, banana breads वगैरह type. This is Arabic bread. I've never tried this before with hummus and this is waffle with maple syrup. So I'm gonna try it. अगर मेरी बहन ला रही है और खाना बना, I don't know कि zoom करने की जरूरत भी है कि नहीं, but just because अब zoom कैमरा नया नया मिला है, I'm gonna try and I'm gonna keep doing it everywhere. एक तो ये view भाई, एकदम pool वाला view, मजा ही आ गया। I love it. मैंने last week hummus and pita bread खाया था अपने friends के साथ। अभी हमने आके लिए भर लिया थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद अभी हम और लेंगे। हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा ही भरा है। एक मैं दिल्ली में लेके आई हूँ आलू वेजेस। ओके सो ब्रेकफास्ट हो गया, अब हमें निकलना है बुर्ज खलीफा के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक नहीं की, मैंने अभी तक टेम्पर्ड नहीं लगाया इस फोन पे, सो आई हैव गॉट दैट। अब मैं वो लगाने वाला हूँ जल्दी से, ताकि मैं इसको आराम से यूज कर पाऊँ पूरे दिन। सो एज यूजुअल अपने बुर्ज खलीफा ऑब्जर्वेटरी डेक के लिए हम लेट हो चुके हैं। कैब आ गई है, जल्दी से भागते हैं। लेट्स होप दे लेट अस इन, वरना इसकी टिकट तो पक्का गई भाई, इसकी तो गई। कैब हैज अराइव्ड भाई, यहाँ की कैबें भी इतनी अमेजिंग है ना। ओके, तो हमको नहीं पता था हम वापस दुबई मॉल ही आ चुके हैं। एंट्री दुबई बुर्ज खलीफा के टॉप की यहीं से है और हम बहुत लेट हो चुके हैं। बट मैंने कैब में पढ़ा कि टिकट्स अप टू 2 PM तक वैलिड है, तो अब आई थिंक टेंशन नहीं है। हम कुछ खा के चले गए, वैसे अभी पेट फट फट रहा है वैसे ऑनेस्टली। चलो जल्दी से चलते हैं, हम गलत घुस गए हैं फिर से, उधर से जाना है। अभी लिटरली कल रात का पैर दर्द खत्म हुआ नहीं है एंड वी आर बैक। और ये अगेन 528 meters की जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से मुड़ के। ऐसे दुकानों के नाम देखने पड़ेंगे, मॉल के अंदर ही आधा किलोमीटर घूमना पड़ता है। आधा किलोमीटर कल रात को तो भैया मेरे 8-9 किलोमीटर ज्यादा ही था मेरे को लगता है भाई। भैया मैं तो टूट गया, आज आए हो उतना नहीं चलना पड़ेगा। मुझे तो चाहिए चाय, चाय नहीं मिलती यार अभी तक तो नहीं दिखी, मैंने सुना तो है मिल जाती है। ओके तो पता है हमने सुबह की टिकट क्यों बुक करी थी, ताकि हमें भीड़ ना मिले। एंड हमें पक्का पता है कि ये सब लोग हमारे हमारे दोस्त बनने वाले हैं, ऊपर बुर्ज पे जा रहे हैं और हमारे साथ ही होने वाले हैं। सो हम आ चुके हैं एट द टॉप बुर्ज पे, इतनी भीड़ है यहाँ पे और लाइन भी है ऑलरेडी। ओके यहाँ की भीड़ देख के आई एम सो ग्लैड दैट हमने ऑनलाइन बुक कर ली पासेस, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। आई नो सीन, मतलब ये भरा पड़ा है एंड थैंक्स पासेस की वजह से। हां एक्चुअली छोटी लाइन है यहां पे, इट इज अ गुड थिंग। सो नाउ वी आर इन द लाइन फाइनली गोइंग टू दिस। फाइनली अपनी सारी टिकट वगैरह दिखा के एंटर कर लिया एंड नाउ ये रहा बुर्ज का डेमो या व्हाट, नहीं व्हाट्स दिस मिनिएचर वर्जन। दिस हैज अ वेरी एप्पल स्टोर लाइक फीलिंग। सच में एवरीथिंग इज जस्ट एस्थेटिक। सच में ओके ओके घंघोर ब्राइटनेस आती हुई बाहर से। सो ये अलग अलग लेवल्स बताए हुए हैं बुर्ज खलीफा के, कब कब बने लेवल, सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। दिस इज व्हाई कुणाल टोल्ड अस के जल्दी पहुंच जाना। अब तो कोई नहीं, अब तो लेट हो गए, अब वो हमारा रोस्ट है, हमारा रोस्ट है। किसने लेट किया आज, मानोगे नहीं आप लेकिन। तो ये फाइनली वो लिफ्ट वाला एरिया एंड आई थिंक वन बाय वन वी आर गोना गो इनटू द लिफ्ट एंड गो एट द टॉप। हाँ हाँ हमेशा हमारे आगे ही यू नो बैरिकेडिंग हो जाती है, ऐसा लगता है इनको लगता है वो दोनों आगे रुक 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 रुक। सो हमारे से आगे वाला बैच जस्ट वेंट इन, आई होप इट्स आवर टर्न नेक्स्ट। ओह नो आई डोंट थिंक इट विल बी, सो मोर पीपल आर कमिंग इन। भाई क्या भीड़ है यहाँ। ओके फाइनली दिस लिफ्ट इज हियर, पहली फुर्सत में निकल।
ओके वाओ यार कान बंद हो चुके हैं मेरे तो कान बंद हो चुके प्रॉपर नहीं माइंड डजंट ना फॉर आवर्स ओके लेट्स गो धूप इज ब्लेयरिंगली हार्श धूप भाई आई एम ब्लाइंडेड इट इज मेस्मराइजिंग मतलब अंडरस्टेटमेंट है इसके लिए ऑल्दो बहुत भीड़ है यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है लेकिन फिर भी हमें थोड़े बहुत स्पॉट्स मिले और हमने अपनी ओके टाइप फोटोज खींच लिए अच्छी सी मोंटाज बना के दिखाता हूँ ऐसी जगह पे आके पता चल रहा है कितने डिफरेंट कल्चर्स के लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंड आई इट्स अलग ही वाइब है यहाँ पे यार पता अच्छी है वाइब बहुत और ये मेरी बहन हो चुकी है मोंटाज बनाते हुए मैंने ऐसे बोल दिया था उसको हर जगह की बनाया वो पता नहीं कहाँ चली गई है आई हैव टू फाइंड अ वे चलो आई फाइनली फाउंड हर अब चलो ऑल्सो यहाँ पे एक बेकरी टाइप है जिसकी प्राइस वेरी अफोर्डेबल ऑनेस्टली मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग These prices here. Oh, भाई, वो देख मेरे को ये दिखा रहा था देखो पता है मैंने इसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फेल्ड प्रोजेक्ट है पीछे इन्होंने वो अलग अलग वो बनाए थे कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स वगैरह पूरा कभी हुआ ही नहीं और ये बैरन पड़ा है यार ये क्या व्यू है दिस इज सो प्रीटी सो आई थिंक वी आर प्रीटी मच डन हमने सारा देख लिया इधर उधर का एंड फोटोज ले लिया बहुत सारी अच्छी अच्छी एंड इधर उधर के वीडियोज भी ले लिया सो आई होप आपको पसंद आया अब हम आई थिंक जाने वाले हैं आया यूनिवर्स बस पहले कुछ खाएंगे यार ये क्वालिटी अच्छी नहीं है इस कैमरे की इतना दूर थोड़ा जूम हो रहा है यहाँ करके देखते हैं ओके हम किसी के घर में झांक रहे हैं इस वक्त सॉरी बैकअप हमें जाना ही है हम देख लेते हैं काइट बीच ये इधर है जो मेरा मैंने हाँ मैंने बोला ना वो जो मेरा दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर दुबई जू जू में छोड़ो तेरे को नहीं फोटोज वगैरह ठीक से आ गए ना तो अभी जितनी भीड़ है ना पैर चलने की जगह नहीं है सच में यहाँ पे हमें लगता था दिल्ली इज ओवर क्राउडेड बट ऑनेस्टली मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस व्यू के साइड में यू नो वेट करने की भाई एक तो ये एम आर यहाँ पे मतलब एम आर तू ही दिख रही है शीशे माय फीट हर्ट लाइक दे हैव नेवर हैड अगेन मेरे कान बंद हो चुके इसके फेदी से आज भी जाने नहीं होंगे मेरे भी होते अब पता नहीं कब होंगे कितनी देर में होंगे ऐसे चलना पड़ेगा ओ भाई हमें फाइनली ये बैठने की जगह मिली आई डोंट केयर ये हमें भगाए हैं यहाँ से क्या करें मैं तो बैठ रहा हूँ यहाँ पे ना ऐसा म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है इन लोगों ने तो लोग देख के जा रहे हैं कुछ करके जा रहे हैं हम इतने थके हुए हम ऐसा मुंह नीचे करके जमीन डाल रहे हैं कि भैया उठ के पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है छोड़ो वेरी गुड जो बनाया बहुत अच्छा है एक ये चीज सही है कि बिल्कुल बुर्ज खलीफा से उतरते ही यू आर बैक इन द दुबई मॉल तो चलो यार हमें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा हमें अपना फेवरेट मैकडॉनल्ड्स दिख चुका है मेरी बहन का वीडियो भी आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सो लेट्स गो देयर एक तो भाई यहाँ पे भी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है तो मैंने जगह आगे रोक ली है और ये आ रहा है हमारा ऑर्डर और मेरा पेट तो अभी तक ऑलमोस्ट सच बताओ इतना खाली भी नहीं हुआ है वो ब्रेकफास्ट बुफे से ये स्मॉल फ्राइज है जो हमारे मीडियम फ्राइज होते हैं इंडिया में पेपर में देते हैं हमको ओह माय गॉड दिस इज ग्रेट एक्चुअली वो नॉर्थ इंडिया का भी हो सकता है आई एम नॉट श्योर के महाराष्ट्र वगैरह में भी सेम सीन है क्योंकि नॉर्थ का मैकडॉनल्ड्स बहुत ही बेकार है अलग ही है ये है शिवम का बर्गर मैं इसका नाम भूल जाती हूं यार ग्रैंड चिकन लिखा है मैडम लिखा है मेरा मैक्सिकन मैक्सिकन भी वहां पे है बट लव द हाँ और तो यहाँ पे सारे बीफ के ऑप्शन भरे पड़े हैं तो वैसे ही चिकन के ऑप्शन कम है सो फ्री ये तो दे रहे हैं मस्त प्लास्टिक के स्ट्रॉज
दे रहे हैं वो. ओके गाइस, ऑफिशियल मैकडॉनल्ड्स दुबई डज नॉट लव टर्टल्स. एक्वेरियम इनके टर्टल्स है. इतने टमाटर कितने बड़े हैं, ये टमाटर है, तरबूज है इनका. अंदर देखो, सी दिस इज चीज स्लाइस. है ना, सॉल्ट कहीं कहीं ज्यादा बहुत सॉस में. चीज का इसमें भी दिक्कत है, उसमें सॉल्ट है बहुत. इंडिया का चिकन महाराजा इज नेक्स्ट लेवल. हाँ, हम डोनर वगैरह खा चुके हैं यहाँ पे. हाँ, नाउ वी नो उनका फ्लेवर क्या है. दिस इज स्टिल मैकडॉनल्ड्स का टेक ऑन इट. यस, दिस फील्स वेरी मैकडॉनल्ड्स. Because the donor was तो yum, मतलब वो तो बहुत ही अच्छा था. A few minutes later. तो यहाँ पे बैठे हुए हमें बहुत देर हो गई है. हम थोड़ा प्लान आउट कर रहे थे कि आज का दिन कैसा है, कहाँ जाना है, ये वो करके. एंड मैं यही सोच रहा था कि भाई बाकी सब ठीक है. आई एम मिसिंग ई रिक्शा एंड रिक्शा द मोस्ट यार. ऑटो भी फॉर दैट मैटर. यहाँ पे कैब ही कैब, मतलब एक मतलब हमने आई आई यूनिवर्स देखा है. आई आई यूनिवर्स से 500-600 मीटर का है मेट्रो स्टेशन. या तो हम चल के जाए उतना, वो भी चलेगा. वहाँ पे जहाँ पे हमें उतरना है वहाँ पे 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है. अब ये दोनों स्ट्रेच दिल्ली में मतलब होता है 20 रुपए. अब यहाँ पे लग जाएगा 800-800 रुपए. और ये देख लो, मेरी बहन को मिनीसो दिख गया है एंड ये भागने को तैयार है. अब इसको थकान नहीं हो रही कुछ, मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ऐसा शॉपिंग. बट कुछ लेने वाला यहाँ से तो नहीं होगा. मेरी तो शॉपिंग हो गई भैया, इफ यू नो व्हाट आई मीन. फाइनली हमें अपनी कैब मिल गई. हम ना उबर वाले पिकअप की जगह हम चले गए थे कहीं टैक्सी पिकअप पे. और यहाँ पे टैक्सी, उबर और करीम पिकअप अलग है. बट फाइनली वी आर हियर. सो गाइज, दैट वाज इट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बिल्कुल एक्चुअली इसके एग्जैक्ट बाद हम गए थे आया यूनिवर्स, विच इज लाइक मतलब मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो. बाय बाय.